ब्लैक कलर का जैसे हम पहले बात कर रहे थे, कलर्स का इफेक्ट होता है पर्सनालिटी पे, दैट्स रियली ट्रू, वेरी ट्रू. मैं सो बेसिकली जब मैं चबी थी, मिजाज जब मैं थोड़ी सी चबी थी, तो ब्लैक कलर आपको बहुत स्लिम दिखाता है. हाँ. तो आई यूज टू वेयर ब्लैक कलर, अच्छा मुझे बहुत सेफ लगता था. हाँ. और फिर ऐसी आदत हुई कि मुझे ब्लैक के अलावा कुछ समझ ही नहीं आती. इवन मैं अपने आप को फोर्स भी कर रही हूँ कि मुझे ब्लैक कलर नहीं पहनना, नहीं पहनना, बिकॉज स्क्रीन पे भी सम टाइम पहन लेते हैं, लेकिन पेस्टल्स कलर अच्छे लगते हैं स्क्रीन पे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसमें ब्लैक टच आ जाएगा. अब मैं थोड़ा सा फोर्स कर रही हूँ अपने आप को कि अब ब्लैक कलर नहीं पहनना, अब नहीं हाँ. पहनना. तो लेकिन क्यों, अच्छा है थोड़ा फर्क पड़ता है, आप डार्क साइड पे नहीं जाता किसी और कलर में. अगर मेरा मियाँ कोई और कपड़े पहन के आ जाए, नहीं खुद ही उलझन हो जाएगी. नहीं उलझन नहीं, ऑफ वाइट या कुछ ऐसा पहनो तो मैं पहचान ही नहीं पाती. मेरे सामने खड़े थे और मुझे फोन करे थे, मैं यहाँ खड़ा हूँ, कहाँ कहाँ, मुझे तो नजर नहीं आ रही क्योंकि ब्लैक नहीं पहना हुआ था. ब्लैक नहीं पहना हुआ, वो तो होता है आपकी शनाख्त. अच्छा पता नहीं, ये इतना बाकी सेफ कलर होता है, हमें कहीं भी दावत में जाना होता है तो मैं अपने मियाँ से पूछते जाके ये पहनूं ये, तो जब मैं ब्लैक पहन के खड़ी होती हूँ कहते यार ये, मैंने कहा हर दावत में मैं ब्लैक कैसे पहनूं. मगर आई डोंट नो, आदमियों को भी अगर अपने स्पाउसेस पे जो है वो ब्लैक अच्छा लग रहा होता है, एलिगेंट लगता है, एलिगेंट लगता है, रात में स्पेशली बहुत कलर. बट स्टिल आपको बहुत केयरफुल रहना होता है जो आप पहन रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी पे इफेक्ट पड़ता है. तो ये क्या चीज है, बड़ी मजे की लग रही है. ये साड़ी है, साड़ी की मेरे पास बहुत कलेक्शन है, आई लव साड़ी, लेकिन ये बनारसी की. मैं कैसे दिखाऊं साड़ी, बनारसी की इसके अंदर की तरफ जो है आपने वो करवाई हुई है. ये मेरा जो टेलर है उसने बहुत प्यारी साड़ी स्टिच की है, इट्स वेरी गुड. ये पल्लू है इसका, कितनी खूबसूरत लगती होगी तुम पहन के. तुमने साड़ी क्यों नहीं पहनी आज, इतना अच्छा लगता है ये साड़ी, बहुत और मटेरियल इतना मजे का है. तो ये ब्लैक साड़ी, और भी बहुत सारी साड़ियां, इसका ब्लाउज मेरी बहन ने उठा के लेके गई हुई है. देखिए हम आपसे ले सकते हैं ना साड़ी, ब्लाउज एनी टाइम, एनी टाइम. सो इसका जो ब्लाउज इसका कैसा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मजेदार. ये हो गई एक ब्लैक साड़ी है भाई वार्डरोब में. तो फिर अच्छा ये तो मेरा टीवी वाली कलेक्शन है ना. आप मेरे जो कैजुअल वेयर में कपड़े हैं वो सारी टी शर्ट आपको व्हाइट और ब्लैक में मिलेंगी, सब कपड़े में आपको ब्लैक मिलेंगे. बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ये बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ, बहुत अच्छा लगता है. हम देख, हाँ ये बाजू निकलते हैं, पॉन्चो सॉर्ट ऑफ है, और इसके साथ बेल बॉटम जो आप पहन सकते हैं. अरे ये ऐसे मजे के कपड़े होते हैं, आपने अगर किसी डिनर पे जाना है, आपने किसी भी अच्छे से एयररिंग्स वगैरह के साथ बड़े अच्छे बाल बाल बना के, अब तेरे बोले ना कुछ मेकअप कैसे बताओ ना, बताइए ना. इसके ऊपर तो अब क्योंकि थोड़ा सा शोल्डर ब्रॉड है तो आप बाल खुले भी रख सकते हैं, बांध भी सकते हैं, अच्छा लगेगा, ब्लो ड्राई भी अच्छा लगेगा, लो पोनी भी बहुत प्यारी लगेगी, स्लीक भी अच्छा लगेगा. ये ऐसी चीज है इसके ऊपर आप किसी भी किस्म की स्टाइलिंग. मेरा तो दिल चाह रहा है कि इसके साथ ना वो जो लॉन्ग बॉब नहीं है उस तरह की डेड स्ट्रेट करके बाल, अब उसके लिए हम इस आउटफिट के लिए बाल निकाल सकते हैं, मैं कटवाऊंगी, मेरा बहुत दिल चाह रहा है. जवानी में कटवाए नहीं, बुढ़ापे में बाल कट कट के इतनी सी हो गए हैं. तो यही होता है. अच्छा ये मुझे किसी ने भिजवाया था, ये भी मेरा बहुत फेवरेट है, स्क्रीन पे बहुत अच्छा लगता है, ये पहना लग रहा है, सितारों का काम है इस पे, कॉटन मोती मोती है, हां सितारे और मोती है धागा, ये कोई का ब्रांड था, आई डोंट रिमेंबर उनका नाम. सीक्वेंस के साथ पता है कितना मजे का है, कढ़ाई से पजामा उसके ऊपर सितारे लगे हुए जिससे थोड़ा सा ग्लिटर ग्लिटर कर रहा है. इसका पजामा नहीं था, बहुत प्यारा है, सिर्फ डिजाइन नहीं है इसका पजामा जो है वो, उसके जो एजेस हैं उसके ऊपर ये काम बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा कट है, पहना हुआ और भी अच्छा लगता है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी सोफिस्टिकेटेड. ये हम जा सकते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग में पहन, हां ये जा सकते हैं, ये अच्छा लगेगा. अच्छा ये ऐसा मजे का है, मैं कहां पहनूं, हां मेरे बच्चों की प्रैक्टिस कर लेना, ऐसा करें आप किसी को दे दीजिएगा ना, जब किसी ने जाना हो तो इतना प्यारा. तुम इसे जो है वो डिनर, किसी डिनर पे ऐसे किसी की बर्थडे है कुछ ऐसा रेस्टोरेंट वाला डिनर जो है ना उस पे पहन सकती हो. सलवारें कमीजें कैजुअली नहीं पहनी जाती. हाँ ये तो है, दिस इज ओनली फॉर स्क्रीन. मैंने जब रिश्ते वाले आए तब पहन लेना.
हाँ तब तो नहीं पहनूंगी, तब भी मैं जैसी हूँ वैसी ही नजर आऊंगी। हाँ ये कितना प्यारा है, ब्लैक भी अच्छा लगता है और मटेरियल है इतना नरम है, बहुत अच्छा। ये कलेक्शन देख के मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट सारा ब्लैक ड्रेस लगी हुई है, ये मेरी बहुत फेवरेट है, ये बहुत अच्छा लग, मटेरियल कितना आरामदेह, ये ना कहीं कहीं से खरीदा होता है, मेरे ख्याल से फातिमा खान का है, फातिमा का है ये, कहीं कहीं इसकी खरीदे होते हैं, वो कलेक्शन आपकी जमा होती रहती है ना इस तरह डिजाइनर्स की, और इतना मतलब वेयरेबल कपड़ा है, और पता है इसके डिजाइंस बहुत अच्छे हैं। हाँ वेरी नाइस। इसका दुपट्टा ये टिश्यू वाला, टिश्यू का दुपट्टा है, और ये ना जो कॉटन लिनन टाइप होता है पतला पतला, देखो कितना मजेदार, देखो ये परफेक्ट परफेक्ट। और क्या है ब्लैक, नाइस सब कुछ है क्या, गाला तो ऑल टाइम शादी पे जाने, शादी पे जाने आते से वेरी नाइस, ये अच्छा है, दुबले पतले लगेंगे आप हमारा ये पाउच है कि पतला लगना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। देखिए ब्लैक जब भी आप पहनेंगी तब भी आप पतली लगेंगी, मैं भी इसलिए ज्यादा ब्लैक। और अच्छा बताओ इसके ऊपर कैसा मेकअप ज्यादा अच्छा लगेगा, रेड लिपस्टिक वाला या लाइट? बिल्कुल लाइट, वैसे आजकल तो न्यूड ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, रेड वाला चला गया फैशन, फैशन चला गया, सही कह रही हो, जैसे अच्छा लगा, जैसे आज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ब्लैक एक तो आउटफिट पहन रही हूँ और काजल वाली आंखें और काजल वाली मैं कंफ्यूज हो रही थी कि बहुत डार्क हो जाएगा, लेकिन लिपस्टिक मैंने बिल्कुल लाइट कर दी, बहुत अच्छा लगा। इसमें ये कट बहुत प्यारा है, इसमें आई एम श्योर मैं आप भी अगर पहनेंगी तो बहुत स्लिम, ये बहुत वो वाला है ना, मतलब मजे वाला कट है, उस दुबली लुक आएगी, बेटा मुझे आएगा नहीं तुम लेकिन आपको बड़ी आसानी से आ जाएगा, पता नहीं शायद आप थोड़ा लूजिंग में पहनती हैं, आपको थोड़ा वो डर लगता है मुझे कि अगर सुबह पहन रही हूँ और फट गया, फट नहीं गया, फंस गया नहीं, आप तो फिर मैं पेट ही छुपाती रहूंगी, आपको थोड़ा सा लूज, मेरे ख्याल में लूज फिटिंग वाले कपड़े पहनने की आदत है, जहाँ तक मैंने गेस किया आपको, क्या आरामदेह रहता है ना, वो जो फिटेड होती है ना, वो फिटिंग होती है जो बिल्कुल साथ वाली होती है, वो आप नहीं पहनती, वरना बड़े आराम से आप कैरी कर सकते, बहुत आराम से आपको आ जाएगा। तो तुम मतलब अलमारी खोले तो ब्लैक नजर आएगा और व्हाइट, ब्लैक व्हाइट ग्रे से हम रब्ता करेंगे जब भी हमें ब्लैक की जरूरत होगी, एनी टाइम है ना भाई, अब आप खुद डिजाइनर हैं, आपको क्या जरूरत होगी है, तुम्हारी कौन सा कलर है करें, येलो भाई एक सेकंड, अच्छा येलो मुझे अच्छा, मैंने ये अपना सबसे ज्यादा काम वाला नहीं दिखाया, ब्यूटीफुल प्लीज फोकस, सबसे ज्यादा काम वाला है हाँ, और ये कोई वही नहीं है नेक्स्ट सेगमेंट में मशीने पहना कोई भाई नहीं है, प्यारी लग रही है ये, कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा अगला जो सेगमेंट है उस पे हम आपको दिखाएंगे किरण की येलो कलेक्शन, हमारे पास एक डिजाइनर और है उनकी पिंक कलेक्शन, अच्छा ठीक है ना, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, कलर्स ही कलर्स, आज तो ना आप लोग वायरे हो गए होंगे, सब सिंधी में जरा पगले को कहते हैं, पगले हो गए होंगे कलर्स देख के, पता चल गया मेरा फेवरेट कलर ब्लैक।